वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे वोटर लिस्ट के साथ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो आपकी कंस्टिट्यूएंसीज थी उनको कैसे रिजर्व किया जाता था, तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे वोटर लिस्ट के बारे में। वोटर लिस्ट कैसे बनाई जाती है, कौन वोट डालेगा, कि कैसे तय किया जाता है। तो इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन व्हिच इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। तो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें जो कैंडिडेट के लिए वोट डाली जाएंगी, तो कौन कौन वोट डालेगा, कौन कौन एलिजिबल है उसके लिए, तो वो लिस्ट जो है आपकी उन बंदों की, वो बहुत पहले इलेक्शन से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और सभी को जो है वोट दे दी जाती है, वोटर कार्ड दे दिया जाता है, जिसको इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। तो इसके अंदर जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करे, ठीक है, जो भी एलिजिबल है वोटर्स है उनको वोट उनकी वोट वोटिंग आईडी प्रोवाइड करवाए और उनका वोटिंग लिस्ट में, वोटर्स लिस्ट में जो है उनका नाम डाले, ठीक है। जो भी एलिजिबल है, एलिजिबल कौन हो सकता है, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक जिसको कहेंगे, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, व्हेन दे गो आउट टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। तो जब वोट डालने जाते हैं तो वहां पर उनको जो है अपने साथ एक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड रखना होता है, ताकि कोई किसी दूसरे बंदे की वोट ना डाल दे, ठीक है, यानी कि जिसकी वोट है, जिसकी नंबर है वही वोट डाले, उसके अलावा कोई ना डाल दे। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग एज वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बल्कि और कोई फोटो जो आपका प्रूफ है आपका, जिसमें जैसे कि आपका राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो और कोई आइडेंटिटी का जो प्रूफ है, आप वो शो करके भी इलेक्शन के दिन आप जो है वोट डाल सकते हैं वहां पर जाकर। नाउ व्हाट अबाउट द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट का नॉमिनेशन किस प्रकार होगा, सो एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। तो अब जो वोटर के लिए लायक होगा, वोटर बनने के जो लायक है, वो नॉमिनेशन कैंडिडेट बनने के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, वो कैंडिडेट भी हो सकता है। बट इसके लिए जो कैंडिडेट शुड बी मिनिमम ऑफ 25 इयर्स एज, तो इसकी एज लिमिट 25 इयर्स है, ठीक है, उसके लिए कितनी थी वोट डालने के लिए 18, लेकिन यहाँ पर कितनी 25 इयर्स एज। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल आउट ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। द कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। तो जो भी कैंडिडेट आपने जो कैंडिडेट आई मीन जो भी कोई बंदा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है, कैंडिडेट बनना चाहता है, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और उसके बाद जो है कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना होता है, ठीक है, जमानत जो है, एक जमानत के तौर पर एक अमाउंट जमा करवाना होता है, और उसके बाद उस नॉमिनेशन फॉर्म में जो है कैंडिडेट अपना क्या करता है, लीगल डिक्लेरेशन करता है, उसमें अपनी सारी चीज जो डिटेल्स देता है, कौन कौन सी सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट अ कैंडिडेट। तो कोई भी जो क्रिमिनल केसेस कैंडिडेट के अगेंस्ट पेंडिंग पड़े हैं उनकी डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर और फैमिली। तो उसके पास जितनी संपत्ति है, ठीक है, मतलब जितना पैसा है, जितनी पूंजी है, उन सभी की डिटेल्स उसकी और उसके परिवार की उसको देनी होती है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बतानी होती है कि भाई कितना कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, उसके बारे में भी उसको बताना पड़ता है। दिस इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक सो दैट वोटर्स कैन मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। और ये इंफॉर्मेशन जो उसके द्वारा दी जाती है, फिर इसको पब्लिक कर दिया जाता है, ताकि जो वोटर्स हैं अब वो चूज कर सके, वो अपनी जो है वो चुन सके कि भाई हमें किस कैंडिडेट को वोट देनी है, ठीक है, ये चीजें सारी वो उसकी पब्लिक कर दी जाती है। नाउ इलेक्शन कैंपेन, वोटिंग वोटर लिस्ट बन गई, कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, अब इलेक्शन कैंपेन वोट, अब उसने अप्लाई कर दिया, भाई मैं कैंडिडेट हूं, अब वो क्या करेगा, वो अपने लिए प्रचार करेगा, ठीक है। द इलेक्शन कैंपेन्स आर कंडक्टेड टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज अ बेटर। तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जब प्रचार करता है तो वो फ्री और ओपन डिस्कशन के रूप में करवाए जाते हैं, ताकि वो लोगों को बता सके कि भाई कौन बेहतर है रिप्रेजेंटेटिव एंड इन टर्न विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट। तो जो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव होता है,
या एक पार्टी जो होती है वो ये चीजें शो करती है कैंपेनिंग के अंदर कि भाई कौन बढ़िया काम करेगा, कौन बढ़िया पार्टी बनाएगा, ठीक है, बढ़िया सरकार जो बनाएगी। इन इंडिया इलेक्शन कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि आपकी जो इलेक्शन कैंपेन्स लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू होते हैं, जब फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स की होती है कि भाई कौन किस पार्टी से या कौन कौन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, नॉमिनेशन भरने की जो डेट होती है 2 week पहले इलेक्शन से, उस 2 week में जो है नॉर्मली आपका जो है इलेक्शन का कैंपेनिंग होती है। लेकिन इससे पहले भी, इलेक्शन की जब अनाउंसमेंट हो जाती है ना, उससे पहले ही लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कैंपेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ये 2 week का तो ऑफिशियल टाइम है, इससे पहले भी वो शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। तो इस पीरियड के दौरान जो है कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इस समय क्या करेंगे वो, कैंडिडेट्स अपने वोटर्स से, जो उसके इलाके के जो वोटर्स होंगे जो उसको वोट डालेंगे, उनसे जाकर वो मिलता है, उनको बताता है कि भाई आप मुझे वोट डालिए, मैं आपके लिए ये सब करूंगा, आपकी बेटरमेंट के लिए मैं ये काम करूंगा। पॉलिटिकल लीडर्स जो उन है उसकी पार्टी के होंगे, वो इलेक्शन मीटिंग्स को जो है वो एड्रेस करेंगे, भाषण जो है भाषण देने शुरू कर देते हैं। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने सपोर्टर्स को भीड़ जो है इकट्ठा करना शुरू कर देती है, रैलियां वगैरह निकालना वो शुरू कर देते हैं। और सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस। तो क्या है कि अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो है अलग अलग स्लोगन दिए जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए। जैसे लास्ट टाइम हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, जो बीजेपी का स्लोगन क्या था, अब की बार 75 बार, ठीक है ठीक है। ये ऐसे स्लोगन देते हैं, जैसे कि इसमें कुछ दिए गए थे भाई पर्टिकुलर टाइम पे दिए गए थे, जैसे सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टिलर, किसानों को जमीन दे दी जाए, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ठीक है। मतलब इस तरीके से इलेक्शन जो है किसी भी रूप में वो एक स्लोगन दे देंगे और उसी के बेस पर जो है इलेक्शन वो लड़ते हैं कई बार। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडिया इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, अब जब कैंपेनिंग होती है तो उस समय क्या होता है उनके लिए, इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कुछ कानून बना देता है, एक कानून सेट कर दिए कि भाई इस समय जो पार्टी कैंडिडेट क्या है वो क्या नहीं कर सकता। पहली बात, दैट नो वन कैन ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स, ना तो आप जो वोटर्स हैं उनको रिश्वत दे सकते हैं कोई पैसे की चाहे और किसी सामान की, ना आप उनको डरा धमका सकते हैं, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और ना ही आप उनको किसी पर्टिकुलर कास्ट के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर आप उनसे वोट मांगेंगे, अपील करेंगे उसके नाम पर, नहीं करनी है आपको, ठीक है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, अब जैसे कि जो पार्टी आपकी पावर में है, ठीक है, अब उसी वो ही इलेक्शन भी लड़ रही है, तो वो पार्टी इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज नहीं करेगी, पर्सनल रिसोर्सेज वो यूज करेगी अपने। स्पेंड मोर देन, नो कैन, नो वन कैन स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कंस्टिट्यूएंसीज फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन कंस्टिट्यूएंसीज इन एन असेंबली इलेक्शन। तो ऑफिशियली रिकॉर्ड के अनुसार जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें आप 25 लाख से ज्यादा और असेंबली इलेक्शन में आप जो है 10 लाख से ज्यादा अमाउंट है वो खर्च नहीं कर सकते हैं, ये लिमिट लगा दी गई है, ये लो बना दिए गए हैं आप। अब अगर इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी डज सो, या पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट अगर ऐसा करता है तो देर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, उनकी जो इलेक्शन की मेंबरशिप होगी उसको कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, चाहे वो एक बार मेंबर चुन लिए जाए और उसके खिलाफ अगर अपराध सिद्ध हो जाते हैं ये सब, तो उसकी मेंबरशिप भी रद्द की जा सकती है। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो सभी जो इन लॉज के अनुसार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी कंट्री की, उन्होंने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, यानी कि जो ये लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको, उन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सभी पार्टीज ने कैंपेनिंग के लिए माना है, एग्री किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, तो इसके अनुसार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी पार्टी जो क्या नहीं कर सकती है, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, तो कोई जो धार्मिक स्थल होगा उसको आप जो है
आपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शन प्रोपगेंडा के लिए यूज नहीं करेंगे। यूज गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस, वही सेम चीज के भी आप गवर्नमेंट के व्हीकल या एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल्स को या ऑफिसर्स को आप इलेक्शन में यूज नहीं करेंगे अपने प्रचार के लिए। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। तो इलेक्शन जब आपके अनाउंस कर दिए जाएंगे तो उसके बाद कोई भी जो मिनिस्टर पावर में है, ना तो आप जो है किसी बिल्डिंग का शिलान्यास कर सकते हैं, ना आप कोई नई पॉलिसी अनाउंस कर सकते हैं, और ना ही आप कोई पब्लिक फैसिलिटी जो प्रॉमिस कर सकते हैं कि भी हम आपको ये पब्लिक फैसिलिटी अब प्रॉमिस कर पाएंगे। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।